जिसमें आपके साथ एक एक से एक दुरंदर जो कि आपका साथ देंगे आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए क्योंकि टुगेदर वी कैन विन तो चलिए इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं हमारा वन शॉर्ट रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम है फाइवर टू फैब्रिक वह ये जो चैप्टर है जैसा कि आपने इसको पढ़ा ही होगा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा ही पढ़ाया ही है काफ़ी आसान चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फाइवर मतलब कि जो हमारे क्लोथ्स होते हैं ठीक है मतलब फाइवर मतलब जो हमें आ, अपने एनिमल्स से मिलने वाले जो रेशे होते हैं उन्हें फाइवर कहते हैं फैब्रिक मतलब जिनकी मदद से हम क्लोथ्स बना लें तो भाई तो फाइवर टू तो फैब्रिक अगर हम पढ़ रहे हैं ठीक है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और यही सारे जो टॉपिक्स हैं मैंने हमारे पूरे वीडियो में कवर किए हुए हैं तो चलिए देख लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है टाइप्स ऑफ फाइबर सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि फाइबर के कितने टाइप्स होते हैं फिर हम पढ़ेंगे फाइबर जो कि वूल है उसके बारे में और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि वूल्स देते हैं और कैसे हम उन एनिमल्स की हेल्प से इन वूल को ऑप्टेन करते हैं मतलब प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग वूल हम पढ़ने वाले हैं देन उसके बाद सिल्क के बारे में हम आपको बताएंगे सिल्क कहाँ से मिलता है जैसे सिल्क वॉर्म से मिलता है उसका लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे फिर उस सिल्क वॉर्म की हेल्प से हम किस तरह से सिल्क को ऑप्टेन करते हैं एंड देन ऑक्यूपेशनल हजार्ज ये क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगी क्लियर तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम हमारे पहले टॉपिक से टाइप्स ऑफ फाइबर तो फाइबर जो है बेसिकली दो टाइप के हमें मिल सकते हैं एक तो नेचुरल फाइबर और दूसरा होगा सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर क्या होते हैं जो कि हमें मदर नेचर से मिलते हैं जो कि हमें प्लांट से ट्री से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं ये सभी नेचुरल फाइबर कहलाएंगे जिनके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं वूल सिल्क ठीक है Wool, silk, और जो प्लांट आपको देते हैं वो होता है जूट जूट का प्लांट आपने देखा होगा कोकोनट ट्री से भी आपने आपको मिलता है कॉटन ट्री से भी हमें फाइबर मिल जाता है एनिमल्स की बात करें तो भाई ये जो आपका याक होता है शीप होते हैं या सिल्क वॉर्म्स होते हैं कैमल रैबिट रैबिट में भी एक तरीके का अंगो जो होता है ये ये सभी हमें फैब्रिक प्रो, फाइबर प्रोवाइड कर देते हैं ठीक है फिर आते हैं सिंथेटिक फाइबर तो सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं वो फाइबर जो कि मैन मेड होते हैं जो कि इंसानों इन, ने बनाए हुए हैं जैसे नाइलॉन पॉलिस्टर ये सभी सिंथेटिक फाइबर होंगे ठीक है तो क्या याद रखना है आपको कि जो फाइबर है बेसिकली दो तरीके के हमें जनरली मिलते हैं एक तो नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर द फाइबर विच आर ऑप्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर फाइबर दैट आर ऑपटेन फ्रॉम प्लांट्स आर नोन एज प्लांट फाइबर ऑन द अदर हैंड फाइबर दैट आर ऑपटेन फ्रॉम द एनिमल्स आर नोन एज द एनिमल फाइबर राइट चले सो so, सिंथेटिक फाइबर के बारे में बता दीजिएगा अ मैनमेड फाइबर मोस्ट ऑफ दैम आर प्रिपेयर फ्रॉम द रॉ मटेरियल पेट्रोलियम जो कि पेट्रोलियम की, की मदद से बनते हैं

प्लांट फाइबर मिल जाता है ठीक है मतलब इनके हेल्प से हम फाइबर बना लेते हैं जैसे आपने कई बार जूट के बैग्स देखे होंगे जो कि आप जनरली किसी मेले में जा कर के देख सकते हो या कॉटन शॉर्ट्स हो या कॉटन वियर तो आप पहनते ही हैं तो ये किससे बनता है ये सभी प्लांट से बनते हैं ठीक है अब वो एनिमल्स जो कि हमारे एनिमल फाइबर में इन्वॉल्व होते हैं वो होता है सिल्क वॉर्म जिसकी मदद से हमें सिल्क मिलता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और ऐसे एनिमल्स जो कि हमें वूल देते हैं ठीक है या फिर हमें फाइबर देते हैं वो होता है याक अल्पाका शीप गॉट कैमल तो ये सभी क्या होती हैं ये सभी वो सारे एनिमल्स हैं जो कि आपको एनिमल फाइबर प्रोवाइड करते हैं क्लियर चलिए तो आगे बढ़ेंगे याद रखिएगा वूल और ये जो सिल्क है ये इस तरीके का दिखता है तो ये आपको पिक्चर इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको याद रहे तो वूल और सिल्क जो है ये आपके फाइबर्स हैं जो कि आपको एनिमल से मिलते हैं ठीक है द फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज अंडर गोज फर्दर प्रोसेसिंग डाइड इन टू सेवरल अट्रैक्टिव कलर्स एंड डिजाइन बिफोर बींग यूज बाय पीपल अब आप देख रहे हो कि वूल यहाँ पर बहुत सारे कलर्स के हैं उसी तरीके से जैसे सिल्क सिल्क को कहाँ देखा होगा आपने जनरली अपनी मदर की साड़ीज जो हैं वो सिल्क मटेरियल की होती है ना? तो का कलर जरूरी तो नहीं कि यही हो अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं तो ये ये जो सारे कलर्स हैं, कैसे किए जाते हैं तो एक स्पेशल डाई प्रोसेस की जाती है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी तो डाई करके हम इसमें से कोई भी कलर ले सकते हैं अब जब डाई भी करेंगे तो डिपेंड करता है कि कौन सा वूल है या फिर कौन से एनिमल का फाइबर आपने लिया हुआ है ठीक है क्योंकि हर एनिमल की फाइबर में प्रॉपर तरीके से कलर लग जाए ये जरूरी नहीं होता तो डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल है उस हिसाब से आपको अलग अलग कलर्स देखने को मिल सकते हैं ठीक है चलिए तो वह यहाँ से हमने ये समझ लिया कि हमारे जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो कैसे होते हैं अब आती है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में याद रखने की बारी तो सिंथेटिक फाइबर जैसा मैंने आपको बताया इसके कुछ एग्जाम्पल हैं रिओन नाइलॉन पॉलिस्टर एक्रेलिक और टेरिल एंड पेट पॉलिस्टर के और टाइप्स है तो बस आप अगर ये चार भी याद रखेंगे तो ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट है क्लियर ओके okay. तो यहां से हमने ये कहानी समझ ली कि जो हमारे फाइबर हैं वो दो तरीके के होते हैं नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर अब नेचुरल फाइबर में जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना था वो था वूल और सिल्क के बारे में तो चलिए वूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वूल हमें एक्चुअल में मिलता कहाँ से है तो जो वूल है आपको तो पता ही है कि आप लोग कभी ऐसे पहाड़ी इलाके में घूमने गए हो तो बहुत सारे शीप्स को आपने देखा होगा उनके ऊपर छोटे छोटे से आपको बॉल टाइप के फर्स दिखते हैं या फर उनके दिखते हैं तो आपको बताते होंगे आपके पेरेंट्स कि इनके हेल्प से स्वेटर्स बनती हैं तो बेसिकली वो मटेरियल वूल कहलाता है तो वूल इज ऑप्टेंड फ्रॉम द हेयरी एनिमल्स लाइक शीप गॉट याक एंड मैनी अदर एनिमल्स ठीक है ऐसे एनिमल्स जो कि थोड़े फरी बॉडी के होते हैं उनसे हमें वूल मिलता है द हेयर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स ट्रैप्स द एयर इन बिटवीन द हेयरी फाइबर्स द ट्रैप्ड एयर Being a poor conductor of of heat, heat prevent the flow of heat from their body to the cold surrounding and vice versa. Thereby makes these animal feel warm. कोल्डिंग क्या होता है कि हम के को हैं। तो आपको याद रखिए कि जो भूल है या फिर जो इनका इनके जो पर, पर होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं एयर के एयर के बैड कंडक्टर का क्या मतलब है कि जब एयर इनसे पास होती है तो ये इसको अपने बॉडी की स्किन तक नहीं पहुंचने देते ये वहीं कहीं ट्रैप हो जाती है ठीक है मतलब वहीं कहीं छुप जाएगी या वहीं से आगे नहीं बढ़ पाएगी तो इसी वजह से इनके जो फर हैं उनका यूज़ हम लोग ठंड में बनने वाले क्रोथ्स में करते हैं हमारे स्वेटर्स में जैकेट्स में इन सारे मटेरियल का आप जनरली यूज पाओगे ठीक है अब आप ये सोचोगे कि यार इन बेचारों के बॉडी से हम ये निकाल लेंगे फर तो फिर इनको तो ठंड लगेगी तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो एनिमल्स हैं ये ठंडे एनवायरनमेंट पे रहते हैं और आपको तो पता ही है कि इंडिया कैसा है कंट्री है जहाँ पे हर मौसम होता है ठंडी गर्मी बरसात तो जब ठंड का टाइम होता है तो इनके फर को इनकी बॉडी पर रहने दिया जाता है लेकिन जब गर्मी आती है ना तो यही फर इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इनको ज़्यादा टेम्परेचर लगता है इनको गर्मी लगने लग जाती है या आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पर या ठंड के टाइम पर इनको पालने वाले जो है इनको स्टेट बाय स्टेट चेंज करते रहते हैं तो इसलिए भी करते हैं ताकि इनकी बॉडी के फर को ये निकाल लें और ये टेम्परेचर से इनको राहत मिल सके मतलब इनका बॉडी कूल भी रहे क्योंकि ये क्या करती है फर अंदर हवा को नहीं आने देती तो गर्मियों के टाइम पर इनको दिक्कत होती है तो ऐसे सीजन में इनको फर की रियरिंग की जाती है फर को निकालने के प्रोसेस को रियरिंग कहते हैं ठीक है तो ऐसे प्रोसेस ऐसे सीजन में इनकी रियरिंग की जाती है ताकि इनको गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो ठीक है और फिर रियरिंग से जो प्रोडक्ट में या फिर जो भी फर मिलते हैं उनका यूज़ हम हमारे फैब्रिक बनाने के लिए कर लेते हैं ठीक है तो भाई इसमें कोई भी नुकसान नहीं है कि एनिमल्स के बॉडी से इस तरह से फर निकाले जाए तो वेल जब आप एनिमल्स की बॉडी से जैसे फर निकालते हैं ठीक है शेयरिंग रेयरिंग जो भी की जाती है उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है कैसे हम उस वूल से या उस मिलने वाले फर से हम फैब्रिक बनाते हैं चलिए इसको समझते हैं तो वेल फैब्रिक बनाने के लिए ज़रूरी है थ्रेड्स होना अगर मेरे पास थ्रेड है तो कोई भी मशीन से हम डायरेक्टली कोई भी क्लोथ बना लेंगे तो उन थ्रेड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इस बात को समझते हैं सो so, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इन टू वूल फाइबर की हेल्प से वुल को बनाने की प्रोसेस सबसे पहले होती है स्टेप वन जिसे कहा जाता है शेयरिंग क्या कहा जाता है शेयरिंग शेयरिंग का मतलब क्या होता है इस प्रोसेस में हम जो भी हमारा एनिमल है उसकी एक पूरी थिन लेयर को उसकी बॉडी से निकाल लेते हैं ओके सो स्टेप वन इज शेयरिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीसेस ऑफ द शीप अलोंग थिन लेयर ऑफ इट स्किन उसके स्किन की एक पूरी थिन लेयर से हम उसके हेयर्स को निकालेंगे तो पहली प्रोसेस होती है शेयरिंग फिर होती है सॉर्टिंग रिमूविंग ऑफ 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 कलरिंग वूल वूल फाइबर्स एंड रोलिंग ठीक है तो ये सारी प्रोसेस क्या है चलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो सबसे पहले स्टेप वन थी शेयरिंग द फर्स्ट स्टेप इज द रिमूवल ऑफ द फ्लीसेज ऑफ द शेप अलॉन्ग थिन लेयर ऑफ स्किन दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज शेयरिंग द हेयर प्रोवाइड्स वुलन फाइबर दैट आर देन प्रोसीड टू ऑबेन वुलन य ठीक है तो आपको याद रखना है पहले देखिए मैं इस स्क्रीन को इसलिए आपको फिर से दिखा रही हूं ताकि आपको ये सारी स्टेप्स याद रहे इसमें होता क्या है ये तो आपको याद रहेगा लेकिन अगर ये वर्ड्स याद नहीं है तो आप उसमें लिख नहीं पाओगे तो शेयरिंग सॉरिंग सॉर्टिंग रिमूविंग वर्ड्स कलरिंग एंड रूल रोलिंग ये याद रखेगा शेयरिंग मतलब सबसे पहली स्टेप तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी एनिमल से फर्स को निकालना उनके एक पतली थिन लेयर के साथ में इस तरह से पूरे बर्ड्स को निकाला जाता है इसमें मशीन भी यूज की जाती है या फिर कुछ ऐसे जनरल लोकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज किए जाते हैं और ऐसे निकाला जाता है ताकि एनिमल को बिल्कुल भी हॉट ना हो ठीक है सो so इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा शेयरिंग प्रोसेस शेयरिंग के बाद इसको कहा भेजा जाता है सोरिंग के लिए अब पूरा अपने फर को निकाल लिया अब ऑब्वियसली बात है एनिमल है वो तो कोई गंदी जगह

दिस इज नोन एज द सॉरिंग और इसी प्रोसेस को हम क्या प्रोसेस कहते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं हम सोरिंग की प्रोसेस राइट याद रहेगा शेयरिंग के बाद सोरिंग किया इसके बाद क्या होता है सॉर्टिंग अब आपने क्या किया जो भी धुले हुए हेयर्स थे उनको बाहर निकाला जो भी फ्लीस आपके फ्लीसेस थे उनको बाहर निकाला अब उसमें से सॉर्टिंग की जाएगी सॉर्टिंग मतलब कि कोई बर्र उसके अंदर रह गया है या फिर कुछ ऐसा छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं तो उसको अच्छी तरीके से निकाल लिया जाएगा हाथ से द सॉर्ट हेयर इज देन सॉर्टेड एंड सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सोर्टेड और सॉर्टेड वेल यहाँ पर क्या किया जाता है कि अब ये जो वूल है वो हमें बहुत सारे एनिमल्स से मिलता है जैसे मैंने आपको बहुत सारे एनिमल्स के नाम बताए अभी भी हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि आपको वूल देते हैं ठीक है तो अब जब इतने सारे एनिमल्स हैं तो सबका फर अलग अलग होगा तो अब फैक्ट्री में तो क्या होता है एक ही तरीके के एनिमल के फर नहीं आते होंगे बहुत सारे आते हैं तो जब सारे आते हैं तो उसमें से सॉर्ट करते हैं सॉर्ट मतलब कुछ एस बहुत ही पतले क्वालिटी के अलग कर लेंगे जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है ठीक है और जो थोड़े से हार्ड होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है साथ ही साथ अगर इनके बीच में कुछ और गठाने हैं बर्ड्स हैं उनको निकाल लिया जाएगा ठीक है तो ये सारी प्रोसेस सॉर्टिंग में किसमें की जाती है सॉर्टिंग प्रोसेस में ठीक है ये फैक्ट्री के अंदर होती है सॉर्टिंग हो गई अब इसके बाद जो भी बर्ड्स हैं उनको रिमूव करेंगे मतलब आपने क्वालिटी वाइज अलग कर लिया बर्ड्स को जो बच्चे कुचे बर्ड्स हैं उनको फिर फाइनली एक और प्रोसेस होगी स्टेप फोर हेयर द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल द बर्ड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर एंड द हेयर इज सॉर्ट अगेन एंड ड्राइड अब इसके बाद फिर से क्या किया जाएगा जब आपने इसमें से बर्स को निकाल लिया फिर से उसकी सॉरिंग की जाती है मतलब उसको फिर से भिगोया जाता है साफ़ किया जाता है फिर से उसको बाहर निकालते हैं और ड्राई किया जाता है द वूल इज़ देन रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर और उसके बाद जो वूल मिलेगा उसकी मदद मतलब से हम फाइबर ले सकते हैं अब उसके बाद इनको लंबे लंबे से वूल क्या होते हैं लंबे लंबे से इसको थ्रेड में कन्वर्ट करके आपस में बांध करके ठीक है इस तरह से हम उसको वूल बना लेते हैं और फिर उसकी डाई की जाती है उसमें कलर किया जाता है तो लास्ट प्रोसेस क्या होती है आपकी कलरिंग ऑफ वूल फाइबर तो द फाइबर आर डाइड इनटू द वेरियस वाइब्रेंट कलर्स बिकॉज द नेचुरल कलर ऑफ द फ्लीसेज इज़ ब्लैक ब्राउन और वाइट जो फ्लीसेज आपको मिलते हैं आपने देखा होगा शीप्स को वो दो तीन कलर की होती हैं एक तो व्हाइट होती हैं पेल येलो कलर की होगी या व्हाइट होगी या ब्लैक होगी तो भाई इनमें हमें कलर्स डालने होते हैं हमें तो रंग बिरंगे कपड़े पहनने की आदत है तो इसलिए क्या किया जाता है फिर उनको डाई किया जाता है ठीक है तो ये पांचों स्टेप्स बहुत कॉमन स्टेप्स हैं जो कि आपको याद रखनी है ठीक है एक बार और आखिरी में है रोलिंग ऑफ वुड तो रोल मतलब कि जो बड़े बड़े थ्रेड्स हैं उनको रोल करके यान में कन्वर्ट कर लिया जाता है द फाइबर्स एंड देन स्ट्रेटन स्ट्रेट कर लिया जाएगा उनको क्योंकि वो तो बंधे हुए हैं तो स्ट्रेट करके कॉम करके उनको फाइनली रोल कर लिया जाता है द लॉन्गर फाइबर आर मैड आर मेड इन वूल फॉर स्वेटर्स वेयर एज द शॉर्टर फाइबर आर स्पन स्पोन एंड वुवन इन द वुलन क्लोथ्स जो लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनको स्वेटर्स के लिए यान के फॉर्म में बेचा जाता है और जो छोटे छोटे होते हैं उनकी मदद से क्लोथ्स बनाए जाते हैं ठीक है चलिए तो यहाँ तक हमारी जो छह स्टेप्स थी हम पढ़ चुके हैं इन छह स्टेप्स को अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो ये डायग्राम याद रखिएगा मेरा जिसमें मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले शेयरिंग होती है शेयरिंग मतलब रिमूवल ऑफ द फ्लीसेज ऑफ़ द शीप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ द स्किन ठीक है देन उसके बाद सॉरिंग मतलब कि सॉरिंग मतलब उसको वॉश करना जो भी आपका वूल आपने निकाला है जो भी फर निकाले हैं स्किन से उसको सॉर करना उसको वॉश करना देन होता है सॉर्टिंग अलग अलग फ्लीस अलग अलग टाइप के एनिमल्स के हेयर्स फैक्ट्री तक पहुँचते हैं तो उनको उनकी प्रॉपर्टी के या उनकी क्वालिटी टेक्स्चर के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट करना ठीक है उसके टेक्स्चर वर्ड को जरूर लिख दीजिएगा टेक्स्चर और टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग करना उसके बाद उसको फिर से क्या कर देना डाई कर देना एक प्रोसेस और है अपन ने पढ़ी थी फिर से हम उसको क्या करते हैं बर्स को निकाल लेते हैं तो जो भी बर्स हैं उनको हटा करके फिर से धोते हैं फिर से सुखाते हैं फिर डाई करते हैं जो भी कलर चाहिए फिर उसके बाद आखिरी में स्ट्रेट किया जाएगा उसको कॉम करके और यान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा उसे रोल करके जो बड़े बड़े वुल्स हैं उनको आप बड़े बड़े थ्रेड उनको आप यान में कन्वर्ट कर देते हो जिससे स्वेटर्स बनाए जाए और जो छोटे छोटे हैं उनकी मदद से वुलन क्लोथ बना दिए जाते हैं क्लियर हो गया तो ये पूरी प्रोसेस किसकी थी ये पूरी प्रोसेस थी फाइबर से वूल बनाने की क्लियर चलिए अब यहाँ पर हमने आपको कुछ इंडियन ब्रीड्स के बारे में बताया है जो कि हमारे शीप्स की ब्रीड्स हैं जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं और कहाँ जैसे स्टेट कहाँ पर पाई जाएंगी तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेना जरूरी है क्योंकि हो सकता है इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो लोही एंड रामपुर बुशैर एंड नैली ठीक है तो ये सभी तीन नाम हैं पहले याद रख लेते हैं इसका क्वालिटी ऑफ वुड बहुत वूल बहुत अच्छा होता है ये राजस्थान में और पंजाब में पाई जाती है ठीक है तो जैसे लोही नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा पंजाब से रिलेटेड नाम दिख रहा है ठीक है तो लोही और राजस्थान के पास होने पाए जाने वाले जो आपके शीप्स हैं उनको हम लोही कहते हैं फिर होता है रामपुर बशेर अब ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाने होती है जो बशेर जाति की जो भी शेप्स होती हैं ठीक है ठेके? जिनके ब्राउन फ्लीसेस होते हैं ठीक है बशेर का क्या याद रखेंगे ब्राउन फ्लीसेस वाले नेली जो होती है वो कारपेट वूल के लिए होती है जो कि जनरली राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पाई जाती हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका बखरवाल बखरवाल फॉर वुलन शॉल्स जो कि शॉल्स के लिए यूज होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में मारवाड़ी कोर्स वूल होता है जो कि गुजरात में पाटनवाड़ी फॉर द होशियर एंड गुजरात में ये पाया जाता है ठीक है चलिए तो वेल यहाँ से अपन ने थोड़े बहुत शिप्स के बारे में जानकारी ले ली पहला वूल ख़त्म जिसके बारे पहला आपका फाइबर ख़त्म जिसके बारे में हमने पढ़ लिया वूल था जो कि कि हम ये वूल कहाँ से लेते हैं ये कैसे फाइबर से हम उसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या प्रोसेस होती है पूरा हम डिस्कस करें तो अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट फाइबर की जिसका नाम है सिल्क तो बेसिकली सिल्क की कहानी कहाँ से शुरू हुई इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो वेल जो सिल्क का नाम है वो आया है चाइना से तो चाइना में बहुत सालों पहले ग्रेट आ, यान नाम की एक क्वीन थी जो कि अपने गार्डन में बैठ के पी रही थी टी अचानक से उनके कप में एक कोकुन आकर के गिरा कोकुन वो चीज जिससे आपको सिल्क का मटेरियल मिलता है राइट अब जैसे ही वो सिल्क का मटेरियल कोकनून के अंदर गिरा तो उसमें थ्रेड्स निकल गए उन थ्रेड को देख करके उन्होंने उठा करके देखा वाओ इतना शाइनी ये कहाँ से आया तो सर्च किया गया तो पाया गया कि एक सिल्क वॉर्म नाम की चीज़ होती है जो कि मलबरी ट्री या फिर ऐसे अलग अलग ट्रीज पर लगने वाले मतलब अलग अलग ट्रीज को खा करके अपने आप को डेवलप करती है और कैटापिलर के, के फॉर्म में फिर फाइनली उड़ जाती है तो उन्होंने भाई इसका पालन पोषण शुरू किया और इस तरह से शुरुआत हुई सिल्क की और सैरीकल्चर की तो सैरीकल्चर सबसे पहले तो एक वर्ड है जो कि सिल्क के साथ में निकल करके आता है तो सिल्क के पाने के लिए या सिल्क फाइबर बनाने के लिए जब सिल्क वॉर्म को पाला पोसा जाता है उससे कोकुन लिया जाता है और उसकी हेल्प से जो सिल्क मटेरियल बनाया जाता है इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस पूरी प्रोसेस को सैरीकल्चर कहा जाता है याद रखेंगे तो सिल्क फाइबर इज ऑफटेन फ्रॉम द कोकुन of The silk moth and the rearing of the silk worm to obtain the silk is termed as sericulture. The silk fibers so obtained are weaved to make silk cloth. और इस तरह से जो silk fiber मिलता है उसको weaved किया जाता है weaved किया जाता है ताकि हम silk का कपड़ा बना सके silk cloth को बना सकें। क्लियर हुआ आपको तो सैरीकल्चर ये आपसे पूछा जा सकता है कि सैरीकल्चर क्या होता है तो सिल्क को ऑप्टेन करने के लिए सिल्क फाइबर को ऑप्टेन करने के लिए जब सिल्क मौत को पाला पोसा जाता है उसकी मदद से कोकुन निकाला जाता है और उससे जब सिल्क फाइबर बनता है तो इस पूरी प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है ठीक है तो आप ये तो समझ चुके हैं कि सिल्क हमें कहाँ से मिलता है सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म की हेल्प से एक तरीके का छोटा सा इंसेक्ट ठीक है अब ये क्या करते हैं अलग अलग तरीके के पेड़ों की पत्तियाँ खाते हैं कुछ स्पेशल काइंड ऑफ पेड़ ठीक है जैसे मलबरी ट्री है या टसर ट्री है तो कौन सी ट्री की पत्ती को खा करके कैसा सिल्क बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के सिल्क बना देते हैं तो कुछ सिल्क के नाम जो कि हम इंडिया में देखते हैं जो कि हैं टसर मोगा कोसा ठीक है आर मोस्ट कॉमन कॉमनली नोन सिल्क वेराइटी तो ये जो सबसे कॉमनली नोन सिल्क वेराइटीज है ठीक है so, सो दिस सबसे ज्यादा जो कॉमन सिल्क मौथ है जो कि मलवरी ट्री को खा करके बनाता है मलवरी सिल्क ठीक है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है लस्ट्रेस होता है उसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है और बहुत आसानी से बहुत सारे कलर में डाई हो जाता है ठीक है तो हम मलवरी सिल्क के बारे में ही अभी आपको बताएंगे या फिर हम मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं अगर ट्री का नाम लूँगी तो मैं मलवरी ट्री का नाम लूँगी ठीक है तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो इस स्लाइड से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन कौन से टाइप के जो सिल्क है वो पाए जाते हैं तो टसर मूगा कोसा कुछ सिल्क है जिसमें मलबरी सिल्क जो है वो सबसे कॉमनली यूज है क्यों है क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी उस वो सॉफ्ट होता है लस्ट्रस होता है और बहुत आसानी से डिफरेंट कलर में डाई हो जाता है ठीक है सो so, जैसे मैंने बोला कि यहाँ से अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज देखी तो अपन फटाफट से सिल्क में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो टेक्स्चर टेक्स्चर कैसा होता है सॉफ्ट स्मूद एंड लस्ट्रस ठीक है स्ट्रेंथ कैसी कैसी होती है तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है भूल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग होता है ठीक है एब्जॉर्बशन ऑफ मॉइस्चर द एब्जॉर्बिविटी कैपेसिटी ऑफ फैब्रिक मेक्स कंफर्टेबल अपीरियल इवन फॉर अ वार्मर एटमॉस्फेयर मतलब इनका जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का मतलब इस तरीके का मटेरियल है कि आप ठंड में पहनोगे तो आपको ठंडक का एहसास होगा गर्मी में पहनोगे तो या आप थोड़ी आप ठंड में पहनोगे तो गर्माहट का एहसास देगा और अगर आप ठंड में पहन गर्मियों में पहनते हो तो ठंड का देगा ठीक है सो इंसुलेटिंग नेचर का है जैसा बताया कि इट इज कूल टू वेयर इन द समर एंड वार्म टू यूज इन द विंटर क्लियर क्लीनिनेस एंड वाशेबिलिटी तो वेल सिल्क फैब्रिक डज नॉट अट्रैक्ट हर्ट क्योंकि बहुत स्मूद होता है ठीक है इसकी सरफेस काफ़ी स्मूद होती है तो आसानी से जो भी डस्ट है वो इसकी बॉडी पर नहीं लग पाती तो इसलिए साफ़ रहता है जनरली तो अगर आप इसको पहन करके बाहर जाएंगे तो आपकी जो क्लोथ है वो इतनी जल्दी गंदा नहीं होगा बल्कि जो कॉटन रहता है या वूल होते हैं आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डर्ट जो है उनके उसमें चिपक जाती है और आप एक बार अगर व्हाइट कलर का स्वेटर या व्हाइट कलर का कॉटन का कुछ पहन के चले गए तो आप बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे ठीक है क्योंकि उनकी स्मूद इतनी स्किन नहीं होती स्मूद सर्फेस नहीं होती इसकी सर्फेस काफ़ी स्मूद होती है इट इज़ अ बैड कंडक्ट तर ऑफ हीट भाई इसको हीट से बताना है ओके देन इट इज वेरी इलास्टिक डज रेजिस्ट क्रीजिंग अब इसमें इलास्टिसिटी अच्छी होती है तो क्रीज नहीं होती कॉटन में पहनोगे तो क्या हो जाएगा एक बार बैठे आप तो आपके कपड़ों में क्रीजी क्रीज हो जाती है लेकिन सिल्क कैसा मटेरियल होता है इलास्टिक अच्छी होती है उसकी इसलिए उसमें क्रीज नहीं होती और इट रेजिस्टेंस टू डस्ट और ये डस्ट से रेजिस्टेंट होता है इट हैज अ नेचर शाइन एंड डाई इज वेल अब इसका जो नेचुरल एक शाइन होती है इसमें ठीक है इट हैज अचुरल शाइन और डाई भी इसमें होती है मतलब अगर आप डायरेक्ट भी यूज करोगे तो भी एक आपको अलग कलर का दिखेगा मतलब एक बहुत सुंदर सा गोल्डन टेक्स्चर आपको देता है ठीक है तो वह यहाँ से तो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ ली अब मैंने आपको बता दिया कि जो सिल्क है वो सिल्क मॉथ की हेल्प से हमें मिलता है अभी सिल्क मौत बनता कैसे है तो सबसे पहले तो इनकी स्टेजेस होती हैं जैसे एक फीमेल सिल्क वॉर्म जो है वो क्या करेगी एग देगी ठीक है उस एग को फिर क्या किया जाता है आ, कई दिनों तक वो ले, ले करती है और बहुत सारे छोटे छोटे से स्मॉल डॉट्स के फॉर्म में ये एग होते हैं ठीक है जो एक बार में ये थ्री फिफ्टी एग्स दे देती है फिर ये एग्स को क्या किया जाता है थोड़ी देर तक वो आ, उनको अच्छी तरीके से पालती है देन उसके बाद उसमें से निकलता है लार्वा ये लार्वा जो है फिर वो मलवेरी लीव्स को खाता है धीरे धीरे अपने ऊपर कोकुन बना लेता है ये पूरी लाइफ साइकिल है ठीक है तो डिस्कस करेंगे पूरी लाइफ साइकिल को लेकिन पॉइंट वाइज पॉइंट तो सबसे पहली बात अपन चलते हैं उसके एग के पास तो एग कौन प्रोड्यूस करेगा फीमेल मॉथ तो एंड एग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म द एग इज लेड बाय द फीमेल मॉथ विच इज मोस्टली द साइज ऑफ द स्मॉल डॉट्स द फीमेल मॉथ ले मोर देन थ्री फिफ्टी एग्स एट अ टाइम कब जरूरी जरूरी पॉइंट जो है वो अपन याद कर लेते हैं ये एग्स जो है वो तीन सौ पचास बार में फीमेल मॉथ देती है सो स्प्रिंग टाइम में एग्स जो है वो हैच हो जाते हैं मतलब इनमें से जो लार्वा है वो निकलना शुरू हो जाएगा ठीक है इन द स्प्रिंग टाइम द एग्स हैच ड्यू टू द वार्म इन द एयर दिस प्रोसीजर हैपन्स वंस इन एवरी ईयर ठीक है अब ये एक साल में ही अब क्योंकि 350 फिफ्टी एग्स देती है इसलिए एक साल में एक ही बार ये प्रोसेस होगी ठीक है और स्प्रिंग टाइम में ये हैच हो जाते हैं अहेरी सिल्क वार्म अब इसके बाद जैसे ही हैच हुए तो इस तरीके के जो हेयरी एक आगे मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ एक हेरी सा सिल्क वार्म निकल करके आ जाता है अहेरी सिल्क वार्म राइजेस आफ्टर द एग क्रेक इन दिस स्टेज सिल्क वॉर्म द ग्रोथ अब इस स्टेज में क्या होता है सिल्क वॉर्म की ग्रोथ होती है उनकी ठीक है दे फीड ऑन हैलवरी लीव्स एंड कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ दीज लीव्स फॉर अराउंड थर्टी डेज बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज अब क्या किया जाता है एग्स में से जो आपके छोटे छोटे सिल्क वॉर्म्स निकल गए हैं वो क्या करेंगे तीस दिन तक मलवरी लीव्स को कंटिन्यूसली खाते रहते हैं ठीक है देन उसके बाद ये बनाते हैं कोकुन और अपने ऊपर इस तरह से एक कवर बना लेते हैं ठीक है जिसको हम कोकोन कहते हैं सो so, इस स्टेज uh, जो एक कोकून है अगर आप इसको पूरा खोलोगे तो एक सिंगल थ्रेड मिलेगा ठीक है तो ये एक थ्रेड से पूरा चारों तरफ अपना एक पूरा शेल्टर बना लेते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होते हैं उसके अंदर तो कौन से स्टेज में पहुंच जाते हैं प्यूपा सो द प्यूपर स्टेज is a मोशनलेस स्टेज इन दिस स्टेज पीपल किल the बाय प्लगिंग द the cocoon into द boiling water एंड unwind the silk थ्रेड अब बेसिकली क्या होता है कि जब प्यूपा बन जाता है प्यूपा बनने की स्टेज आ जाती है तो वो बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं उसके अंदर ये जो आपका कोकुन के अंदर ये जो आपका छोटा सा सिल्क वॉर्म है वो उसके अंदर रहता है अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करता है उसके विंग्स निकलते हैं इसी स्टेज में लोग क्या करते हैं कि उसको डायरेक्टली वॉर्म वाटर में डाल देते हैं ताकि वो खत्म हो जाए और क्या हो सके वो उस थ्रेड को अलग कर ले तो अंदर का जो कीड़ा है उसको अलग कर लेंगे और जो ऊपर का आपका कोकुन है उसको सेपरेट कर लेते हैं कुछ को छोड़ दिया जाता है ताकि जो लाइफ प्रोसेस है इनकी चलती जाए फीमेल और मेल्स का जो कॉम्बिनेशन है उससे एग्स बन जाए ठीक है कुछ को छोड़ दिया जाता है बाकियों को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है प्यूपा के बाद अगर उसको छोड़ दिया गया है तो ये मौत में कन्वर्ट हो जाता है तो मौत क्या होता है कि इन दिस स्टेज द प्यूपा चेंजेस इनटू टू द एडल्ट मौत द फीमेल मॉथ एग आफ्टर मीटिंग आफ्टर मीटिंग एंड दस द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क फॉर्म बिगिन अगेन जैसा मैंने आपको बताया तो वेल अगर आपको एक साइकिल देखना है एक डायग्रामिक फॉर्म में देखना है क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप किसी चीज का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो वो ज्यादा दिन तक याद रहता है तो लाइफ साइकिल ऑफ़ सिल्क वॉर्म कैसे होगी सबसे पहले तो फीमेल मॉथ जो है वो एग्स देती है कितने देती है थ्री फिफ्टी एग्स इन अ ठीक हैं, है? है, है, हैं ये रेशे रहते हैं जो लार्वा है बेसिकली ये मलबरी लीव्स को खाते हैं थर्टी डेज के लिए ठीक है और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे थोड़े और बड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे अपने ऊपर कोकुन बनाना शुरू कर देंगे एक कोकुन से हमें एक सिल्क का थ्रेड मिल जाता है और अगर इस कोकुन को डायरेक्टली गर्म पानी में डालेंगे तो ये जो अंदर इसके अंदर जो सिल्क वॉर्म है वो खत्म हो जाएगा और कोकुन अलग हो जाएगा लेकिन अगर उनको छोड़ दिया जाएगा तो ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में ठीक है और फिर यही प्रोसेस उनकी चलती जाती है ठीक है तो वह ये तो हो गए लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म अब सिल्क वॉर्म जो था जो सिल्क आपका कोकुन था उसने आपको दे दिया ठीक है अब अपन देते हैं देखेंगे कि इस कोकुन की को हम कैसे सिल्क में कन्वर्ट करते हैं सिल्क थ्रेड में फाइनली आपको ये मिलता कैसे है तो so, जैसे वूल की अपन ने स्टेप्स पढ़ी थी शेयरिंग सारी उसी तरीके से आपको किसकी स्टेप्स याद रखनी है प्रोसेस ऑफ कोकुन टू सिल्क तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेप फर्स्ट द फर्स्ट स्टेप्स टू बर्ड्स द सिल्क इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म डन वैन मलवरी ट्रीज बियर आर फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव सबसे पहली स्टेप्स आपको बस ये याद रखनी है कि सिल्क म को पालना पोसना ये पहली स्टेप है तो इस स्टेप में क्या करेंगे इस स्टेप में फिर जो एग्स होते हैं उनको पाला जाता है फिर जो एग्स निकल जाते हैं वो मलबेरी लीव्स को थर्टी डेज के लिए खाएंगे द हंड्रेड ऑफ एग्स लेड बाय द फीमेल सिल्क मोथ आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन ए स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ और पेपर एंड आर देन सोल्ड टू सिल्क वार्म फार्मर्स वे द एग्स आर कैप्ट अंडर द हाइजेनिक एंड सुटेबल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ पहली स्टेप याद रखेगा कि पहली स्टेप में इनका पालन पोषण होता है कि जो भी एग्स हैं उसको उन फार्मर्स को दे दिया जाता है जो कि सेरिकल्चर करते हैं सेरिकल्चर मतलब क्या होता है अभी बताया था मैंने सिल्क वॉर्म को प्रॉपर तरीके से उनको पालना पोषना उनका देखभाल करना ठीक है तो ये जो एग्स है उनको ऐसे हाइजेनिक हाइजीन और टेम्परेचर कंट्रोल रूम में रखा जाता है ताकि उसमें से लार्वा बाहर आए जो कि धीरे धीरे सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो और उससे कोकुन बने तो ये थर्टी डेज की पूरी प्रोसेस होती है दे आर देन वॉर्म टू अटेबल टेम्परेचर दिस एनेबल्स द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग द लार्वा नोन एज द कैटरपिलर और द सिल्क वॉर्म आर कैप्ड इन अ बैम्बू ट्रे एंड आर सर्व्ड विद फ्रेशली चॉप्ड मलवरी लीव्स दे ईट दे एंड नाइट एंड इनक्रीज लॉट इन साइज अब ये जो पॉइंट आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं जो मैंने बताई पूरी कहानी इसको पॉइंट में आपको पहले स्टेप में लिख देना है ठीक है After 25 to 30 days, the silkworm stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in a tray having a small ए स्मॉल the twigs to spin cocoons. The silkworm द the cocoon inside which further development into विच silk डेवलपमेंट take place. ठीक आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि भाई थर्टी डेज के लिए मलवरी लीज को ये खाते खाते अपने शेप और साइज को बढ़ाते हैं थर्टी डेज के बाद ये खाना बंद कर देते हैं और अपने ऊपर एक शेल्टर बनाना शुरू कर देते हैं जिसे हम कोकुन कहते हैं वही कोकुन जो है आपको सिल्क थ्रेड देता है ठीक है स्टेप टू क्या होगी अब ये जब कोकुन बन जाता है तो ये जो पिल्स होती है कोकुन्स की उसको वार्म वाटर में डाला जाएगा द पिल्स ऑफ कोकुन यूज टू ऑप्टेन सिल्क फाइबर्स आर कैप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एल्स एक्सपोज टू दिस स्टीम टू सेपरेट द सिल्क फाइबर ठीक है सिल्क फाइबर को हटाने के लिए हम ये सारी प्रोसेस करेंगे या तो बॉइल भी कर सकते हैं सनलाइट में भी रख सकते हैं या स्टीम देते हैं ठीक है दिस प्रोसेस इज न्यून एज रीलिंग The silk and it is done using the machine which unwind the threads or fibers of the silk from the cocoon which are the spun, spun into skill silk thread and are woven into silk cloths for the weavers. अब देखिए अब इसकी प्रोसेस का काफ़ी आसान है इस प्रोसेस में अपन क्या करते हैं इसको पहले गर्म पानी में उबाल लेते हैं ताकि जो अंदर का कीड़ा है वो हट जाए और उसके बाद इसके जो टुकड़े हैं वो अलग हो जाते हैं और मशीन की हेल्प से एक एक थ्रेड को निकाल लिया जाता है उसको प्रॉपरली स्ट्रेच कर लिया जाता है ठीक है और फिर अपन उसके छोटे छोटे से रील बना लेते हैं ठीक है तो बस यही प्रोसेस होती है किसके कोकुंड से सिल्क की ठीक अब ये जो सारी फैक्ट्रीज में ये सब काम किया जाता है ना वुल्स के साथ या फिर सिल्क के साथ तो हर उसमें क्या होते हैं छोटे छोटे हेयर के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो हेयर पार्टिकल छोटे भी होते हैं ये कभी कभी हम अपने ह्यूमन बॉडी जो कि वहाँ पर काम करते हैं उनके अंदर चले जाते हैं तो कई तरीके के हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज़ को जनरेट कर देते हैं तो उसी को कहते हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स तो ऑक्यूपेशनल हज़ार्स एक टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है तो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स क्या होता है ऑक्यूपेशन हज़ार्स आर द हेल्थ प्रॉब्लम और द एक्सीडेंट्स दैट कैन हैपन टू पीपल वर्किंग इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री ठीक है अगर किसी इंडस्ट्री में किसी भी व्यक्ति के साथ में ह्यूमन के साथ में उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो हम उसे ऑक्युपेशनल हज़ार कहते हैं पीपल वर्किंग इन वुल सिल्क एंड अदर फाइवर इंडस्ट्रीज आर एक्सपोज टू मैनी काइंड ऑफ रिस्क अब ये जो लोग आपने वो लिया सिल्क फॉर्म में या फाइबर ऐसे इंडस्ट्रीज़ में जो जिसमें सिंथेटिक या नेचुरल फाइबर बनते हैं वहाँ काम करते हैं तो उन्हें जनरली दो तरीके के रिस्क हो जाते हैं पहली चीज़ तो केमिकल पर काम करेंगे वो केमिकल का एक्सपोजर होता है क्योंकि वो डाई करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं तो एक्सपोजर टू केमिकल एजेंट्स तो, तो जिसकी वजह से क्या होता है उस केमिकल की के वजह से एलर्जीज एंड इवन कैंसर उस केमिकल से उनको एलर्जीज भी हो जाती हैं कई तरीके की और कैंसर हो जाता है एक्सपोजर टू डस्ट एंड फाइबर और ये डस्ट और फाइबर की वजह से एलर्जीज एंड नेजल और ब्लडर कैंसर होने की कंडीशन बढ़ जाती है ठीक है तो ये सभी होते हैं ऑक्यूपेशनल हजार समटाइम्स ड्यूरिंग द शॉर्टिंग ऑफ वूल शॉर्टर्स गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टेरियम और द एंड्रैक्स ठीक है अब ये एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि वुल से निकलता है ये बैक्टीरिया अगर बॉडी में चला जाता है तो इससे ब्लड इंफेक्शन बढ़ जाएगा सो इट कॉजेज द सोर्ट डिसीजेज विच इज अ फैटल ब्लड इंफेक्शन इससे क्या हो सकता है ब्लड का इन्फेक्शन हो सकता है तो आई होप आप ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स को समझ चुके हैं कि ऑक्यूपेशनल हज़ार्ट एक्चुअल में होता क्या है तो जितने भी फाइबर वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें काम करने वाले लोगों को जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसी को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हज़ार्ट और वुल के साथ में एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रैक्स अगर वो बॉडी के अंदर चला जाता है तो उससे क्या होता है फैटल ब्लड इन्फेक्शन होने की कंडीशंस बढ़ जाती हैं ठीक है तो चलिए ये वाले चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे हम डिस्कस कर चुके हैं आपको पूरे प्रोसेस अच्छे से याद रखनी है एग्जाम के लिए जैसे कि वूल की प्रोसेस वो मैं आपको बता चुकी हूं सिल्क की प्रोसेस ये कहां से मिलता है काफी आसान चैप्टर है जो कि आप याद रखेंगे क्लियर तो वेल अगर आप किसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ तो आप कहाँ से देखोगे उसे आप देख सकते हैं डब्ल्यू पर जा कर के क्लास सेवन सेलेक्ट करेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो दिख जाएंगे यहाँ नीचे देखोगे तो वन शॉर्ट रिविजन भी लिखा हुआ है तो जैसे चैप्टर टू का पढ़ चुके हैं चैप्टर थर्ड का हमने जैसे अभी कम्प्लीट कर लिया है ठीक है फर्स्ट सेकेंड का ऑलरेडी कम्प्लीटेड है तो अगर आपको उसका रिविज़न करना है तो आप वो भी देख सकते हैं ठीक तो सब चीज़ें आपको ऑलरेडी साइट पर मिल जाएंगी तो देखिए समझिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करके बताएं कमेंट करके हमें बताएं कि आपको पसंद आया है और इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और साथ ही साथ चैनल को शेयर करिए उन स्टूडेंट्स के साथ भी जो कि किसी और क्लास में है क्योंकि हमारे पास है हंड्रेड फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडर टू क्लास ट्वेल्थ साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी रीसेंट अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए तो मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी थैंक यू सो मच